वो पूर्वांचल जहां बीजेपी को पूरा भरोसा है कि पिछली बार की तरह ही समर्थन मिलेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि उनका गठबंधन समीकरण जो होगा इस बार का वो पूरा पलट कर रख देगा, काम कर जाएगा। रिपोर्ट देखिए। आपने रामायण में एक नाम सुना होगा लंकेश, इनका नाम है दंगेश। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद। बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों के चने दबाकर चलाने पड़ेंगे। बाईस में भी गोर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। ये है यूपी में पांचवें चरण के लिए प्रचार। कल यूपी में चौथे चरण के लिए 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चार चरणों में कुल 232 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। पांचवें चरण में कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी ने इन 61 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया था। इन 12 जिलों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। पिछली बार 61 में 50 सीटों पर बीजेपी गठबंधन विजयी रहा था, जिसमें से 47 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें अपना दल को मिली थीं, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 5, बीएसपी के 3, 2 सीटें निर्दलियों को और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। जानकार भी मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए इतनी ज्यादा सीटें लाना काफी बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी भी कोशिश ये कर रही है कि पश्चिमी यूपी के चुनावों में जो संभावित नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो इन्हीं सीटों से करे। पांचवें चरण में मतदान अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में है और खास तौर पर उस अयोध्या में, जिसके नाम पर बीजेपी ने दशकों तक राजनीति की, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता पाई बल्कि केंद्र में भी सरकार बनाई। अब राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं है क्योंकि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इसीलिए बीजेपी मंदिर निर्माण को ही भुना रही है। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? जो लोग अयोध्या में राम मंदिर पर ताला मरवाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करवाते? दुनिया हमें अयोध्या के नाम से जानती थी और हम अपना परिचय फैजाबाद के नाम से जानते देते थे, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, इस जनपद का नाम तो भगवान राम के साथ जुड़ना चाहिए और नामकरण भी हमने अयोध्या कर दिया। अयोध्या होने की वजह से भले ही बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा यहां उठाया हो, लेकिन इस बार बीजेपी का चुनावी मुद्दा माफिया राज खत्म करना है और इसी को पार्टी का हर नेता हर रैली में बता रहा है। क्या बदलाव देखते हैं, क्योंकि पहले तो जब आए थे 2017 तब अतीक अहमद जैसे लोगों का बहुत यहां पे जोर हुआ करता था। सिर्फ इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज नहीं, पूरे प्रदेश में सारे माफियाओं पर नकल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लगता है कि अतीक अहमद का कोई असर बचा है? देखिए, कोई असर नहीं है। पिछली बार में आया था तो बोले भाई साहब जरा भाषण ज्यादा तीखा मत देना, नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जब सिद्धार्थनाथ सिंह जी का गया था। अब मैं तो ठीक है, कार्यकर्ता बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा तीखा बोलो, अब इनकी औकात बाबा ने खत्म कर दी। अखिलेश यादव भी आज प्रयागराज में थे। वैसे तो ये कहा जाता है कि बड़े शहर बीजेपी के लिए वोट करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि उनकी सरकार आ रही है। जब पांच में, छठ में, सातवें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। इधर मैं देख रहा हूँ क्या जनता को समाजवादियों में भरोसा है।
पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आवारा पशु भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये पशु किसानों की फसल खा जाते हैं और ये चुनावों में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 किलो राशन दे के और 50 किलो लोगों किसानों के साढ़ चल रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं उस चीज को, बताने की जरूरत नहीं, आप देख रहे हैं हर जगह आवारा जानवर बड़ी समस्या है और ज्यादा यहाँ छुट्टा साढ़ से बहुत पीड़ित हैं लोग। विपक्ष पहले ही इस मुद्दे को भुना चुका है, अखिलेश यादव अपनी हर रैली में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसीलिए आज बहराइच की रैली से प्रधानमंत्री ने दावा किया कि वो आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं और मैं आपको बताता हूं मैं रास्ता खोज करके लाया हूं। दोस्तों 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद, योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे। भाइयों, 5वें चरण में जिन इलाकों में चुनाव है वहां बड़ी संख्या में किसान रहते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आवारा जानवरों वाली ये समस्या किसानों के लिए कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनती है। ABP News आपको रखे आगे।